नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हाल में बढ़ी टारगेट किलिंग की घटनाओं की निंदा करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के प्रयास आखिरी सांस तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि दरअसल कुछ लोगों को यह नहीं भा रहा है कि कैसे कश्मीर के बच्चे स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं, कैसे कश्मीर में विकास हो रहा है और यहाँ के लोग मुख्य धारा से जुड़कर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा है, लेकिन आतंकियों की परवाह किए बिना विकास के पथ पर हम आगे बढ़ते रहेंगे और आतंकवाद का खात्मा करके रहेंगे। जब तक अमन चैन नहीं आएगा, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति की भी जान जाती, मैं जानता हूं इस बात को कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। जिस परिवार का दिया बुझ जाता है उस परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता, इस सच्चाई को मैं जानता हूं। मुझे दुख है कुछ लोग इन आतंकवादियों के शिकार हुए हैं, लेकिन आज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आतंकवाद समूल जम्मू कश्मीर में समाप्त हो, इसकी हर कोशिश अंतिम सांस तक की जाएगी। आपने उपराज्यपाल महोदय का संबोधन सुना, आपको लगा होगा कि यह औपचारिक संबोधन होगा, मगर ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की हकीकत आज यही है कि चाहे बड़े शहर हो या दूर दराज के गांव, विकास और शिक्षा हर क्षेत्र तक पहुंच रही है। आइए जरा आपको दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में ले चलते हैं। यहाँ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाया गया है, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। यह स्कूल आदिवासी छात्रों के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और गुर्जर बकरवाल समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना है। हम आपको बता दें कि स्कूल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में मुफ्त शिक्षा, बोर्डिंग, आवास, वर्दी और स्टेशनरी, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास भी शामिल है। सर, हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है, हमने इतने बड़े स्कूल में एडमिशन दिया और इतना बड़ा स्कूल हमें मिला है। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती हूँ और यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है, यहाँ रहने की जगह भी अच्छी है, दिन को भी हम यहाँ रहते हैं और रात को भी, यह हमारा हॉस्टल की तरह है। एस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी मई 2022 में हमारे वर्दी डीसी साहब उन्होंने की, तो ये मई से हमने यहाँ इस स्कूल की एडमिशंस जो है क्लास 6 में हमने स्टार्ट की है। तो यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास लिस्ट है उसमें है 60 स्टूडेंट्स। तो सर, यहाँ पे जो है ये अकेडमिक ब्लॉक में जो है 20 रूम हैं, उसके बाद हमारे कुछ ये लाइब्रेरीज हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग, कंप्यूटर लैब है, वॉशरूम है उसमें 12, और हमारी सर यहाँ हॉस्टल की जो है 2 बिल्डिंग्स हैं, बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चों को पहले भटका दिया जाता था, लेकिन आज वह पढ़ लिख कर अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की शह पर आतंक का खेल खेलने वालों को यह सब नहीं भा रहा है और वह डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में अब नई सुबह का आगाज हो चुका है, यह बात उन सभी को भी समझ आ जानी चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।